गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प। दोस्तों, आज है 5 अप्रैल और हम इस वीडियो में बात करने वाले 5 अप्रैल का करंट अफेयर, ओके, जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और आपका स्पेशली बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, SSC, रेलवे, पुलिस, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये स्पेशल इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो गाइज जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, 4 अप्रैल को शोक दिवस के रूप में मनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? यानी जिस देश ने 4 अप्रैल को अभी हाल ही में किया है, 4 अप्रैल को शोक दिवस के मतलब प्रत्येक वर्ष है उसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, वो कौन सा देश है जिसने इस को अपनाया है? ओके, तो ऑप्शन आपके सामने है इटली, अमेरिका, चीन और भारत। तो इसका जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चीन। चीन ने कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले लोगों की स्मृति के अंदर हमेशा के लिए प्रत्येक वर्ष आगे आने वाले के लिए तो 4 अप्रैल को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ओके, और कल 4 अप्रैल को इन्होंने शोक दिवस मनाया था और इन्होंने घोषणा की थी कि आगे प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 3 अप्रैल और 6 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस मनाया जाता है, जागरूकता दिवस, और ये सबसे पहले 2005 में मनाया गया था, घोषणा की थी और 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो 4 अप्रैल को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस है वो कल ही मनाया गया था, तो एक जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है क्योंकि पूरे विश्व के लिए है। ओके, तो इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्तमान में सूर्य अध्ययन के लिए नासा ने किस मिशन की घोषणा की है? अब नासा क्या है आपको पता होना चाहिए, नासा एक स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की है। ओके, ऑप्शन आपके सामने है सनराइज, सन सेंसर, सन रेंज और नन। तो जो सूर्य के अध्ययन के बारे में यानी सूर्य पर क्या क्या गतिविधियां होती है उसके लिए अध्ययन करेगा नासा, तो उसके लिए एक मिशन की घोषणा की है, आगे आने वाले समय में वो करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च है। इसका ऑप्शन होगा सनराइज। ओके, सनराइज इस ऑप्शन इस मिशन का नाम है और नासा ने इसकी घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्तमान में गीता राम जी का निधन कोरोना वायरस के कारण हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ओके, इनका जो निधन है हो गया है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए। ये मूलतः वैसे बात करें तो भारत की हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ये एक डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, लेडीज है ये, और यहाँ पे इनका जो ऑप्शन दिया गया आपके सामने, वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं, गणितज्ञ हैं या लेखक हैं, तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये वैज्ञानिक थे, ठीक है, वैज्ञानिक से संबंधित थे और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में ये कार्यरत थे और मूलतः वैसे भारत की हैं इनकी, जो कि कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे हाल ही में 10 दिन में 4000 बेड वाला नाइटिंगेल अस्पताल तैयार करने वाला कौन सा देश है? ऑप्शन आपके सामने है चीन, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका। कोरोना वायरस की महामारी के कारण गाइज यहाँ पे 10 दिन के अंदर 4000 बेड वाला नाइटिंगेल अस्पताल NHS ओके जो तैयार किया है वो कौन सा देश है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं चीन, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन देश ने 10 दिन में 4000 बेड वाला नाइटिंगेल अस्पताल को तैयार किया है, बिकॉज यहाँ पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उनको भी मतलब कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, इनकी सभी आम व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने ये जो अस्पताल का है निर्माण किया है ताकि ऐसी कोई अनहोनी ना हो, सारी सुविधाओं से लैस किया गया है इस हॉस्पिटल को। ओके, इससे पहले चीन ने भी एक हॉस्पिटल बनाया था। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्रिकेट डैनियल फिलिन ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, किस देश से हैं? क्रिकेट डैनियल फिलिन है, उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, और वो किस देश से हैं? ऑप्शन आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, श्रीलंका। उन्होंने सभी जो क्रिकेटर है डैनियल फिलिन, उन्होंने सभी क्रिकेट से अपना संन्यास की घोषणा कर दी है, तो वो किस देश से संबंधित है तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है न्यूजीलैंड, सी है अफ्रीका और डी है श्रीलंका। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका न्यूजीलैंड। वो न्यूजीलैंड देश से संबंधित हैं क्रिकेट डैनियल फिलिन, जिन्होंने क्रिकेट से संपूर्णतया अपना जो है संन्यास ले लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को ट्रैक करने के लिए सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है?
कोविड 19 यानी जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज़ है उनको ट्रैक करने के लिए सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया है। क्योंकि जो मुख्यतः बात यह है कि गाइस जो कैंडिडेट्स होते हैं यानी मरीज़ होते हैं पॉजिटिव कोरोना के, तो वो क्या आपको देखे होंगे आपने न्यूज़ के अंदर कि हॉस्पिटल से भाग रहे हैं, तो हॉस्पिटल से भाग रहे हैं तो डॉक्टरों को भी, डॉक्टरों के साथ भी ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं, तो उसके बाद में मतलब क्या कि प्रॉब्लम आ रही है बहुत काफ़ी। तो जो हॉस्पिटल के अंदर इनका जो नंबर होता है मोबाइल नंबर उसके साथ है इसको लिंक किया जाता है, जैसे ये मतलब 15-15 मिनट के अंदर लगभग ये अपना है जो एप्लीकेशन है वो इनको सूचित करता रहता है डॉक्टर को कि उसकी क्या सिचुएशन है। ओके, तो उसके अंदर लिंक किया होता है और वो एक नोटिफिकेशन सा भेजता रहता है, ठीक है, एप्लीकेशन के माध्यम से डॉक्टर के पास। तो जो भी जहाँ पर भी जाएगा ना वो मरीज़, तो उसका लोकेशन है वो वहाँ पर दिखेगा उस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो वही इसके कारण सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? ऑप्शन आपके सामने है कोविड फेंसिंग, कोरोना फेंसिंग, जियो फेंसिंग और जियो ट्रेकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जियो फेंसिंग, ठीक है, जियो फेंसिंग जो इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपके सामने सबसे पहले CQAS का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? CQAS क्या है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, क्वारंटाइन अर्जेंट, ओके, क्वारंटाइन अर्जेंट सिस्टम, क्वारंटाइन अर्जेंट सिस्टम है। इसका प्रयोग सबसे पहले भारत के किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है केरल, असम, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो केरल के अंदर किया गया था, ठीक है। CQAS का आपको नाम मतलब जो फुल फॉर्म है मैंने आपको बता दिया है, क्वारंटाइन अर्जेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे है 19वें एशियाई खेल किस वर्ष में आयोजित किए जाएंगे, वह कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? ओके, जो 19वें एशियाई खेल है किस वर्ष में आयोजित किए जाएंगे और कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो 2022 चीन, 2022 ऑस्ट्रेलिया, 2021 चीन और 2022 फ्रांस। तो गाइज जो 19वें एशियाई खेल है उनके लिए आपको कहाँ पर मतलब नॉमिनेट किया गया है इस चीज़ के लिए, तो आपको बता देते हैं 2022 में चीन के जो हांगो, ओके, हांग जो नाम की कोई सिटी है, हांग जो ऐसे कुछ नाम की सिटी है, तो वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे 19वें एशियाई खेल 2022 के अंदर चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन नेवी ने ये कारनामे की हैं बहुत अच्छे देश के लिए। ओके, नेवल डॉकयार्ड मुंबई द्वारा निर्मित व्यक्तियों का तापमान मापने के लिए टेम्परेचर सेंसर विकसित किस युक्ति पर आधारित है? नेवल डॉकयार्ड मुंबई द्वारा एक जो उपकरण तैयार किया गया है टेम्परेचर सेंसर उसका नाम है, तो वो मतलब जो नेवी के वहाँ पर डॉकयार्ड में रहते हैं उन्होंने इसको बनाया है, तो वो किस युक्ति पर आधारित है? ऑप्शन आपके सामने है इन्फ्रारेड, बीटारे, गामारे और एक्सरे। ओके, ये ऑप्शन आपके सामने है, तो वो युक्ति जो बनाई है वो किस सेंसर पर आधारित है आपको इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये बहुत ही सस्ता है, अदर जो अपने बात करें टेम्परेचर सेंसर की तो ठीक है, अदर जो टेम्परेचर सेंसर आते हैं उससे बिल्कुल काफ़ी सस्ता है, लगभग इसकी जो कीमत है 1000 रुपये से 1500 के बीच में रखी गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही सस्ता है और एक तरीके का मतलब बात कर सकते हैं मतलब हर एक आम आदमी के लिए हो सकता है, इसकी जो कीमत भी बहुत कम रखी गई है और विकसित किया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई के द्वारा। तो इसका जो कौन से ये युक्ति पर आधारित है तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा इन्फ्रारेड पर ये आधारित है। तो गाइज ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे और इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर विजिटिंग यूट्यूब, ऑनलाइन जॉब हेल्प को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं।